नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पीडीए की बड़ी कार्रवाई, आरोपी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर। अतीक के करीबी जफर अहमद के घर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, जिस तरह से यह पूरा हत्याकांड हुआ उसके बाद कार्रवाई के दौरान पीडीए की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अतीक के करीबी जफर अहमद के घर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, बड़ा एक्शन पीडीए की तरफ से देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बात करें तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण आज भारी पुलिस फोर्स के साथ खालिद जफर के घर पहुंचा है। खालिद जफर वो शख्स था जो अतीक अहमद के पूरे कारोबार की देखरेख करता था, किस तरीके से उसकी निगरानी करनी थी, किस तरीके से किस प्रॉपर्टी को बेचना है, खरीदना है, वो तमाम तरह की जो चीजें होती थी वो खालिद जफर करते थे। पीडीए ने लगभग 15 लोगों के ऐसे नाम चिन्हित किए हैं जिनके घर पर अधिक कार्रवाइयों का दौर चलेगा। लेकिन आज धूमनगंज पुलिस, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम और पीएससी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां मौके पर पहुंचे हैं। कसारी मसारी धूमनगंज का ये इलाका है जहां कुछ ही देर में बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। हालांकि शुरुआती दौर में अभी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी है परिवारजनों के साथ, क्योंकि वो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस के आगे किसी की एक नहीं चलेगी। और कुछ ही देर में अभी जो सामान निकालने का सिलसिला है, घर से कुछ सामान बचे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो धीरे धीरे सामानों को बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी। हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं, देखिए ये सामान जा रहा है, ये सामान धीरे धीरे घरों से बाहर निकाला जा रहा है। जब ये पूरा सामान खाली हो जाएगा उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई। सामने आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि सामने ये बुलडोजर खड़ा हुआ है, जहां पर अभी कुछ देर में ही जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद इस बुलडोजर से इस घर को ढहाने का काम किया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि शासन की ये मंशा है कि जो भी अपराधी है जिन्होंने धन बल बाहुबल या अवैध संपत्तियां इस तरीके से अर्जित की है उनको किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनके ऊपर वो इसी तरीके से चलती रहेगी। जी बिल्कुल विवेक। और विवेक देखिए, इस वक्त तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं किस तरह से सुरक्षा बल इस वक्त मौजूद है और सुरक्षा बलों की निगरानी में ये बुलडोजर की कार्रवाई थोड़ी देर में हो जाएगी। कितनी संख्या में अभी सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है और कितने बुलडोजर इस वक्त वहां पर बुलाए गए हैं और ये कार्रवाई कितनी देर में शुरू होगी विवेक? जी, कार्रवाई का दौर लगभग महज आधे घंटे का और वक्त बचा हुआ है, आधे घंटे बाद ये कार्रवाई का दौर शुरू होगा। ये देखिए एक पोस्टर भी जा रहा है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये देखिए पोस्टर, एक सेकंड भाई, ये पोस्टर जा रहा है, ये देखिए ये पोस्टर उनके घर से निकला है, अपर से एमआईसी अटाला चौराहा पहुंचकर जनाब ओवैसी साहब के विचारों को सुने, इस तरीके के पोस्टर भी जा रहे हैं। ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं बुलडोजर अभी यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा मकान नहीं है, बुलडोजर एक बुलडोजर यहाँ पे पहुंचा हुआ है जो कुछ देर में कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि एक बात निकलकर सामने आई है, सबसे बड़ी बात, इस घर से एक राइफल और एक तलवार भी बरामद हुई है। अब वो वैध है या अवैध है ये जांच का विषय है, लेकिन अभी ये दो चीज निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल विवेक। और विवेक वो घर भी दिखाइए जहां पर ये कार्रवाई होने जा रही है, जफर अहमद का ये घर आप दिखाइए, इसके साथ ही साथ कितने अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं, क्या परिवार वाले भी मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल परिवार के लोग अभी घर पे मौजूद हैं और वो विरोध कर रहे हैं। ये देखिए उनका घर है, लेकिन अभी जो पुलिस के जवान है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो अभी मीडिया को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। सभी लोग, एक बैरिकेडिंग कर दी गई है, बैरिकेडिंग के बाहर ही हम सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये जो बुलडोजर, अगर आप हमारे दर्शक देख पा रहे हो, बुलडोजर के ठीक पीछे ये जो एक येलो कलर की बिल्डिंग है, यही एक बिल्डिंग है खालिद जफर की, जिसको कुछ देर में अभी जमींदोज करने की प्रक्रिया प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम करेगी। जी ठीक है विवेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन इस बीच चार तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से ये चार तस्वीरें, तो उमेश पाल हत्याकांड पर पीडीए की ये बड़ी कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं। पीला पंजा किस तरह से अब एक्शन में नजर आने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, अब ये मिट्टी में मिलाने वाली कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी सुरक्षा बल के बीच पीडीए की तरफ से उन घरों को चिन्हित किया गया है जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए अपराधी हैं, और पीला पंजा इस वक्त पहुंचा हुआ है इस पूरी कार्रवाई पर।
और देखिए जमींदोज करने की कार्रवाई, परिवार के लोग इस वक्त मौजूद है जो इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा एक्शन योगी सरकार का पीडीए की तरफ से, तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और ये चार तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। विवेक हमारे साथ लगातार घटनास्थल से जुड़े हुए हैं और हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से अभी क्या कुछ अपडेट विवेक लगातार दे रहे हैं। विवेक, कुछ ही वक्त बचा है, आपने कहा आधे घंटे बाद ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। अभी घर के अंदर से सारे सामान निकल रहे हैं, परिवार वालों का विरोध भी आप कह रहे हैं कि विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी क्योंकि विकास प्राधिकरण की टीम जब भारी पुलिस बल के साथ यहाँ चकिया इलाके में पहुंची है, तो जो परिवार के लोग हैं, क्योंकि नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उनको पहले ही दे दी थी, लेकिन जब उनको नोटिस मिली तो शायद उनका कहना है कि हमको नोटिस नहीं मिली, उसके चलते ये विरोध का जो क्रम है वो जारी है। लेकिन पुलिस फोर्स का कहना है कि ये मकान अवैध रूप से है, जिसका मानचित्र पास नहीं है, जिसके चलते इसको ढाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शासन की जो मंशा है वो एकदम स्पष्ट है कि जो भी मानचित्र नहीं पास होगा या अवैध रूप से बना हुआ मकान है उसको तोड़ा जाएगा। और दूसरी बात, जो खालिद जफर की बात करें तो खालिद जफर का सीधा कनेक्शन अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है, जो उनके कारोबार को पूरी तरीके से देखते थे, उनके प्रॉपर्टी को देखते थे, जो कंगारी का काम होता था वो देखते थे, जितने उनके अवैध रूप से संचालित होने वाले काम थे वो खालिद जफर ही देखा करते थे। जी बिल्कुल विवेक। और विवेक देखिए, आसपास के पड़ोस में रहने वाले लोग भी मौजूद है जो इस पूरी कार्रवाई को देख रहे होंगे, इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, वो किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं? जी, अगर आस पड़ोस के लोगों की बात करें तो अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं, सब अपने घर पे हैं या अपने घरों के गेट्स देख रहे हैं। अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, कुछ लोग छत पे हैं, वो देख रहे हैं इस कार्रवाई को कि किस तरीके से ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम यहाँ पहुंची है, किस तरीके से यहाँ कार्रवाई का दौर शुरू होगा। लेकिन अगर बोलने की बात कही तो अभी भी कोई खुलकर सामने बोलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल विवेक, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए लगातार कि कितनी संख्या में, अभी देखिए जवान वहां पर खड़े हुए हैं, मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, अधिकारी अंदर मौजूद है जो अपनी कार्रवाई को पूरा कर रहे हैं। किस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, एक बार तस्वीरों में आप दिखाएं। जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, देखिए ये बुलडोजर खड़ा हुआ है सामने, पुलिस के जवान दोनों साइड से बैरिकेडिंग कर दी है कि जो मीडिया के लोग हैं और अन्य लोग हैं वो अभी अंदर नहीं, क्योंकि उनके काम करने में इससे कहीं ना कहीं व्यवधान आता है, क्योंकि उनके घर वालों के साथ थोड़ी सी झड़प हो रही है, इसलिए पुलिस उनको समझा बुझा के किसी तरीके से उनको घर से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। जैसे वो घर से बाहर निकले उसके बाद ये कार्रवाई, जो बुलडोजर प्रक्रिया है, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, उसको शुरू किया जा सके। हालांकि अभी जो पुलिस के जवान है, पुलिस के अधिकारी हैं, वो लगातार जो घर में रह रहे लोग हैं उनको समझाने का काम कर रही है, उनको घर से बाहर निकलने के लिए कह रही है। महिला पुलिस भी यहाँ मौजूद है जो उनको बाहर निकाल रही है, बाहर निकाल के कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये कार्रवाई थोड़ी ही देर में शुरू होगी, पीला पंजा पहुंचा हुआ है और देखिए ये कार्रवाई किस तरह से अपराधियों पर एक प्रतीक बुलडोजर माना जाता है, और देखिए उसी बुलडोजर को चलते हुए थोड़ी देर में हम देखेंगे। विवेक, इसके साथ ही परिवार के कितने लोग, कितने सदस्य इस वक्त घर में मौजूद है? परिवार की बात करें तो खालिद जफर, इसमें दो बेटे, उनकी वाइफ और परिवार के अन्य कुछ बच्चे भी हैं जो अभी घर के अंदर ही मौजूद हैं। और पुलिस का कहना है कि जल्दी से बात, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, बात करने के बाद उनको जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जाएगा और जल्द की कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। शासन से स्पष्ट निर्देश है कि इस मकान को पूरी तरीके से जमींदोज किया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अगर अधिकारियों की माने, उनका कहना है कि इसका मानचित्र नहीं पास है, जो अवैध बल होता है बल से बनाया गया है, इसकी ध्वस्तीकरण की देर में बुलडोजर चलेगा और इस पूरे मकान को नेस्तनाबूद कर देगा। जी बिल्कुल, और देखिए अपने दर्शकों को भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई जारी है अधिकारियों की तरफ से। अब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पीडीए की ये बड़ी कार्रवाई, चार तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। आरोपी जफर अहमद, जो अतीक अहमद का करीबी माना जाता है, राइट हैंड माना जाता है, उसके घर पर किस तरह से, जफर अहमद के घर पर ये बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। तो ये चार तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये जो कार्रवाई है वो अभी, इसकी प्रक्रिया आगे चल रही है, घर को खाली कराया जा रहा है, घर वालों की तरफ से विरोध भी देखने को मिल रहा है। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर पर विवेक से हम तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।
अतीक के करीबी जफर अहमद पर यह बड़ी कार्रवाई। तो देखिए किस तरह से यह बड़ी कार्रवाई पीडीए की तरफ से की जा रही है। तो इस हत्याकांड के बाद एक्शन में इस वक्त पीडीए है। अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर इस वक्त पीडीए की कार्रवाई चल रही है। तो आरोप है कि यह घर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाया गया है। यह घर जफर अहमद के नाम है। तो विधानसभा में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य में जो भी अपराधी या माफिया है वो किसके द्वारा पाले गए हैं, वो सभी सपा के द्वारा पाले गए हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी थी, उसी लहजे में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। और अब प्रयागराज में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें आरोपी जफर अहमद का यह जो घर है, बताया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण कर यह घर बनाया गया था, जिसके तहत यह कार्रवाई की जा रही है। और ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बुलडोजर इस कार्रवाई के दौरान घर के पास पहुंचा। तमाम अधिकारी मौजूद हैं, सुरक्षा बल मौजूद है कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, अगर विरोध होता है उससे कैसे निपटा जाए। तो सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम है। परिवार वालों को समझाया जा रहा है कि ये कार्रवाई किसके तहत की जा रही है, क्योंकि ये जो घर है वो अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है और घर जफर अहमद के नाम पर है। जफर अहमद जो कि अतीक अहमद का करीबी और राइट हैंड भी बताया जाता है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सभी अपराधियों पर, माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। तो जफर के घर पर अतीक की पत्नी से मिले थे शूटर। आरोपी खालिद जफर के घर से मिले हथियार। अब ये जांच की जाएगी कि ये हथियार के लाइसेंस है या फिर अवैध तरीके से ये हथियार भी रखे गए हैं। हालांकि आप देखिए धीरे धीरे जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। पीडीए के तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं जो इस कार्रवाई के दौरान घर को खाली करा रहे हैं। इस दौरान तमाम चीज़ों को भी देखा जा रहा है, जहां माना जा रहा है कि दो हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि वो लाइसेंस थे उन हथियार के नहीं, ये आगे देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।